Hello guys, welcome back in V Zone. This is Manavi. Today we are going to react on lockdown with Parivar by Ashish Chanchalani. So दोस्तों यार आशीष चंचलानी की वीडियो लॉकडाउन विद परिवार और आशीष का प्यार हमें बहुत ज्यादा मिल रहा पर्सनली. भाई की भाई ने मैसेज किया था तो और इट्स रियली वेरी इट्स ओनो और लाइक वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम. Right. मैं बहुत और भाई ने बोला कि हमारे रिएक्शन अच्छे अच्छा लगा जानते कि आशीष थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड यू सेड कि यू वॉच्ड आवर वीडियो एंड यू रियली लव दैट सो वी लव यू टू. सो दोस्तों यार थैंक्स आप सबने आशीष तक हमारी वीडियो पहुंचा दिया अल्टीमेटली ना भाई ने पौधे के लिए तो चीज यार जो क्रिएटर है वो हमारी वीडियो देखकर कीप रिएक्टिंग एंड आई लव योर रिएक्शंस. वो कुछ बातें करने के लिए बात करी थी बाकी फिर उसके बाद मैंने पूछा भाई देखता क्या मैं छोड़ूंगा थोड़े ना ऐसा आपको लगता है कि थोड़े ना तो बाकी यार अच्छा रिस्पॉन्सिव यार वेरी ग्राउंडेड पर्सन सीरियसली वेरी पॉजिटिव वेरी एनर्जेटिक और हमें लगा कि हमें आशीष की और वीडियो पे और भी ज्यादा आपको एंटरटेन करना चाहिए. और अगर मुझे सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा कि यार चलो एटलीस्ट हम जो वर्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हाँ बाकी ये मैं सोच रहा आशीष भाई अगर अच्छी होगी तो अच्छी बताऊंगा फिर वीडियो में. सो दिस इज लेट्स चेक इट आउट हियर वी गो टू साइनिंग आउट लेट्स गो हियर वी गो और आशु लॉकडाउन में क्या टाइम पास कर रहा है? भाई मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार. मैं घर बैठे बैठे जो मतलब अपना घर एक्सप्लोर किया है ना, तेरे को पता है मेरे घर पे 370 टाइल 100 चम्मच 50 कांटे 25 ड्रॉर 6 दरवाजे और एक पागल बहन है. पागल बहन इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. और क्या क्या किया आपने आशीष सर? मैंने बहुत चीजें की. टेरिस पे ट्रैकिंग, गार्डन में जॉगिंग, बाथरूम में जर्किंग. सही है बेटा. और तो और मैं ऊपर गया था, मैंने ऊपर वाली अलमारी खुली तो दो चूहे दिखे मेरे को. अभी हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त है, काफी गहरी फ्रेंडशिप हो गई हमारी. लेकिन वो क्या है ना, वो दोनों चूहे कपल है तो मेरे को कभी कभी लगता है मैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहा हूँ. अबे ओ लगता है क्वारंटाइन में घर बैठ बैठ के ना तू पागल हो चुका है. नहीं मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है घर पे भाई. तेरे को पता है मेरे साथ घर पे और भी लोग रह रहे हैं. कौन लोग तेरे साथ रह रहे हैं भाई? मम्मी पापा. वही जिनको हम प्यार से माँ बाप बुलाते हैं. कितनी भी गालियां देते हो, कितने भी ताने मारते हो, मैं प्यार करता हूँ. बस जब भी अपने रूम से बाहर निकलता हूँ मेरे को देखते अपने बाल नोचना चालू हो जाते हैं. बहुत गालियां और ताने देते, इतने गालियां और ताने देते मेरे को तो लगता है गवर्नमेंट मेरे घर में लॉकडाउन घोषित कर देगी. हॉल में ना 3 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. अरे यार जादू मैं तेरे को एक मेन बात बताना भूल गया यार, मेरी वो क्रश है ना. कौन सी? दुनिया की हर जिंदा लड़की में तो तेरे को क्रश है ही. अबे सिमरन यार उसने मेरे को बोला आज हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं. यार वो मेरे को पक्का पसंद करती है इसलिए वो वीडियो कॉल पे बात करना चाहती है. बेटा बोर हो गई होगी वो घर पे, तू है ना उसका लास्ट ऑप्शन है इसलिए तुझसे बात कर रही है वीडियो कॉल पे. तू पक्का मत यार मैं जा रहा हूँ वीडियो कॉल पे. ऐसे कर रही है लड़की आजकल टाइम पास करने के लिए बातें कर ले. अरे वाह ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये प्राणी अपने बिल से बाहर भी निकलते हैं. तो आज के डिस्कवरी एपिसोड में हमको पता चला ये जानवर अपने बिल से बाहर भी निकलता है. आ जा मेरे लाल बैठ जा. क्या बात है बेटा, हमको सिखाना. क्या? यही बेटा कि एक जगह पे 12-12 घंटे फालतू कैसे बैठा जाता है, मेरे को सिखाना बेटा. क्या मैं काम करने वाला आदमी और मैं तो तेरी तरह फालतू हूँ नहीं, तो मेरे को सिखा ना. अभी क्या लॉकडाउन हो चुका है तो मेरे ख्याल से पूरे घर को तेरे से फालतू बनने की ना कोचिंग लेनी चाहिए. मैंने किसी को तो कहा था कि डॉक्टर बन जा लेकिन वो क्या बना? यूट्यूबर. अरे यार फिर से चालू हो गया इनका. बाहर जाके पूछा तेरा ये यूट्यूब कुछ काम आया लोगों के? हाँ पप्पा यार डॉक्टर बनता तो कम से कम काम आता, इस वायरस को मारने में मदद करता. अभी कैसे मारेगा? सब्सक्राइबर फेंक के मारेगा, सिल्वर प्ले बटन लेके वायरस का मर्डर करने जाएगा. कम से कम डॉक्टर बनता तो वतन के काम आता, अभी बस बर्तन के काम आ रहे, वो भी खाने में धोने में नहीं. अच्छा आप तो ऐसे बात करो जैसे आपके पास 7-7 डिग्री है डॉक्टर की. हाँ तो क्या हो गया अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नुस्खे है इस वायरस को भगाने के लिए. अच्छा पूरी दुनिया इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है और आपके पास नुस्खे? कहाँ से आए आपको ये नुस्खे? व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया मेरे को. यार इनका व्हाट्सएप बंद करवाओ कोई. छछुंदर का मूत, घोड़े की टट्टी और कुत्ते का शुक्राणु मिला के अगर इंसान सूंघ ले तो उसको ये वायरस कभी नहीं पकड़ता. अरे ओ पप्पा ये सब सूंघने से इंसान ऐसे ही मर जाएगा वायरस के रोग के. पापा प्लीज व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस को विश्वास मत किया करो, ये सब फेक होता है. मसाला बनाने के लिए कुछ भी भेजते रहते हैं लोग, आप पागल हो गया यार. अच्छा कम से कम ये तो मानता है कि अगर तू बाहर निकल के सत्संग पे एकजुट होके इकट्ठा होके अगर सबके साथ प्रार्थना करेगा तो ये वायरस भाग जाएगा. अरे ओ पापा आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम सुना है? ये बाहर जाके इकट्ठा होने से बीमारी और फैलेगी. हमको क्राउड नहीं करना है, घर पे ही रहना है. और अगर आपको प्रे करना है तो घर पे रह के प्रे करो ना, एक खास बाहर जाके क्यों प्रे करना है? और पापा वो वायरस है, विक्रम भट्ट की पिक्चर का भूत नहीं है, सब इकट्ठा होकर प्रे करेंगे भाग जाएगा.
अरे बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम तुलसी चाट चाट के वायरस को भगाते थे। ये तुलसी कौन है? हराम पत्ते की बात कर रहा हूँ, तुलसी के पत्ते की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम बांसुरी बजाते थे। अब ये बांसुरी कौन है? फैन के टके बांसुरी फ्लूट की बात कर रहा हूँ, डंडे की। अरे बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे। हाँ पापा पता है, जब आप हमारी उम्र के थे तब आप बैटमैन की नाजायज औलाद थे। आप तो मार्स पे होते थे, मम्मी अर्थ पे होती थी और आप वॉकी टॉकी से प्यार का इजहार करते थे। जब आप हमारी उम्र के थे तब आप डायनासोर की पीठ पे बैठ के दादी के लिए टमाटर घोड़ी घोड़ी खेल के लेने जाते थे। जब आप हमारी उम्र के थे तब आप वर्ल्ड वॉर 2 में पैराशूट पहन के प्लेन से जंप मार के स्कूल में जाते थे, है ना पापा? तैर कर तो जाते थे। मैं कसम से कह रहा हूँ ये वायरस दवाई से मरे ना मरे आपकी ये फेकम फाक की कानियों से जरूर मर सकता है, ट्राई करो जाके। बेटा इधर तो है ना, मेरे को हाथ में खुजली हो रही है, एक चमाट तो खींच के दू। ओह नो पापा, सोशल डिस्टेंसिंग पापा, आराम कर। सिमरन हाय। हाय आशु, कैसा है तू? मैं मस्त, और क्या चल रहा है आशु? Ignore, that's my mom. Yeah. Ignore. Sorry. Ashu. Pak. हाँ मम्मी. Ashu. Pak. हाँ मम्मी. अरे Ashu. हाँ मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दे. Pak. I'm really sorry. So मैं क्या कह रहा था ना कि. अरे Ashu. Pak. अरे क्या हुआ मम्मी? Busy है क्या? हाँ. अच्छा ठीक है, जाने दे. Pak. I'm really. खुद ही बोल रहे थे ना? No, it's fine. I understand. मैं ये कह रहा था कि माँ के लिए टाइम नहीं है तेरे पास। अरे मम्मी 7 दिन से तो घर पे ही हूँ यार, अपनी शक्ल रोज तो दिखा रहा हूँ, अभी मैं फोन पे बात कर रहा हूँ तो माँ के लिए टाइम नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है यार। सिमरन आई एम रियली सॉरी, यू नो मॉम। शर्म नहीं आती माँ पर चिल्लाते हुए? अरे मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं दूर बैठा हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ। अभी भी चिल्ला रहा है? अरे दूर बैठा हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ। अभी भी चिल्ला रहा है मेरे ऊपर? अरे अभी तू चिल्ला रही है। मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि तू दूर बैठा है। Simran, let's just ignore, okay? Let's just ignore. So I was saying कि घर पे जब से quarantine। आशु, तूने अपने कच्चे क्यों उतार दिए बीच में? मम्मी मैंने कोई कच्चे नहीं उतारे यार, कुछ भी मत बोलो। तेरे कच्चे तेरे पापा के पैर में अटक गए हैं। अरे मम्मी क्या बोल रही है यार, मैंने नहीं उतारे कोई भी कच्चे। ऐसे अच्छा लगता है तेरा बाप अपने पैर में कच्चा लटका के घूमे? मम्मी आप पागल हो गए यार, कोई सबूत है क्या मेरे कच्चे? I don't know what to say. This. अरे आशु, अब क्या हुआ? आशु तूने फ्लश क्यों नहीं किया? Oh no! तेरी पॉटी कमोड में तैर रही है, मेरे को घुटने जा रही है। अभी पागल हो गया यार, मैं अभी कैसे बात कर रहा हूँ यार, ये पॉटी वॉटी की टाइम बात है क्या यार? अशु बेटा चल, मम्मी का हाथ बना, पहले पंखा साफ करेंगे, फिर सीढ़ियां साफ करेंगे, उसके बाद ट्यूबलाइट पे जो मकड़ी के जाल। मम्मी मुझसे नहीं होगा। नहीं सही है बेटा, एकदम सही बोला। मैं जब तुझे पैदा कर रही थी ना तब मुझे डॉक्टर को भी यही बोलना चाहिए था, ऐसा कुछ से नहीं होगा। फिर तू आधा अधूरा बाहर अटका होता ना तब तेरे को पता चलता तेरी माँ इधर कैसे अटकी हुई है। लॉकडाउन बाहर हुआ है, ऐसा लग रहा है वायरस में हो, सैनिटाइजर तुम हो, कितना माँ को टॉर्चर करोगे? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेटा भगवान ने मेरे को दो ही हाथ दिए, इसलिए तो मैंने तेरे को पैदा किया, जिसमें भगवान ने दो हाथ चिपका के भेजे थे, तब तो मेरे काम है, लेकिन तू भी मेरा काम नहीं कर रहा है। अपनी माँ से आज तक एक ग्लास पानी पूछा है? नहीं पूछा है। कोई लड़की हक भी देगी ना उसके लिए नदियां बांध दोगे? पता नहीं अपनी कैसी कैसी कितना काम करवाते हो अपनी माँ से। मम्मी आलू पराठा, मम्मी वड़ा पाव, मम्मी पास्ता। अरे तू मेरा राजा बेटा है, खा जा बेटा, उधर मेरा पति तू हरा जा। नीले कलर का दुपट्टा पहने ऐसा मतलब क्या डोरे मान समझ के बैठे हो मेरे को? शादी से पहले माँ काम करवाती थी, शादी के बाद सासू माँ काम करवाती थी, उसके बाद पति काम करवाते, उसके बाद बच्चे काम करवाते। अरे जब से घर में घुसी हूँ ना ऐसा लग रहा है काम वाली बाई का ऑडिशन दे रही हूँ, और ये ऑडिशन खत्म ही नहीं हो रहा, चलते जा रहा है। अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? इतना काम करते हुए अगर मेरे को टोनी स्टार्क ने देख लिया ना तो सबसे कह रही हूँ जाने इसकी बम्बे लात मार के उसको निकाल के मेरे को काम में रख देगा। तेरे कपड़े उठा उठा के उठ जाऊंगी मैं एक दिन, मैं कसम से कह रही हूँ। इतने गंदे मोजे तेरे, मोजे इतने गंदे, मेरे जिंदगी में इतने गंदे मोजे किसी के नहीं देखे। गुंडा पिक्चर के विलन भी तेरे मोजों से ज्यादा साफ थे बेटा, शर्म कर। और तो और तेरे मोजों में से इतनी गंदी बदबू आती है, दुनिया के सारे वायरसों का नाश हो सकता है तेरी बदबू से, तेरे को पता है? सोच भी हूँ ना तो सपने में झाड़ू पोछे क्या? इतने बर्तन मांजे साबुन से, इतने बर्तन मांजे, मेरे हाथ में साबुन मिल गए, मेरे हाथ इतने साफ हो गए, अगर घर के बाहर निकल के किसी आदमी को चबाट मारूंगी ना उसको जिंदगी में कोई वायरस नहीं होगा, कसम से कह रही हूँ।
ऊपर से तेरा बाप भगवान ऐसा पति किसी को ना दे, पूरा दिन चाय मांगते रहते, दिन में 6-6 कप चाय पीते, अरे पैसों ने दूध देना बंद कर दिया, चाय के चक्कर में पूरा दिन चाय ला चाय ला चाय ला, उसके बाद चाय के बाद बिस्किट चाहिए पकौड़े चाहिए, तेरे बाप का बस चले ना चाय में पूरा कबर डुबा के खा जाएगा एक दिन, कभी कभी तेरे बाप के साथ रात को सो दिन होता ऐसा लगता है पति नहीं चाय पति के साथ सो रही हूँ चाय पति। मम्मी यार नहीं, इस गंदी औलाद को कुछ भी बोलो, मम्मी यार लंच में मम्मी अचार, रात को बाप बोले जानू प्यार, एक दिन तेरी मम्मी मर जाएगी काम करते करते, फिर याद रखना मम्मी हो या बाप, मम्मी यार। अरे मम्मी अरे सुनो एक कप चाय, नहीं क्या मेरा नाम है एक कप चाय या मेरी शक्ल पे लिखा है एक कप चाय, जिसको चाय पीने खुद ही जाके बनाओ। और तुम लोग भी सुनो, अपनी अपनी मम्मियों की मदद करो, और अगर तुमने ऐसे वक्त में अगर अपनी मम्मियों की मदद नहीं की ना, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा मुंह ऐसा मार चुकी ना फिर पता चलेगा। कैसे हो आप सब? आज एक बाप के कैरेक्टर के नाते नहीं, एक यूट्यूबर के नाते आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। काम करो। देखिए अभी 21 दिनों के लिए हमारा भारत लॉकडाउन पे है, पुरानी वीडियो ना? मतलब आप घर से निकल नहीं सकते, किस दिन से ज्यादा हो चुका, बहुत लोग अभी भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे, लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप और मैं, हम सब तो काम इसे रोक सकते हैं, इसे लड़ सकते हैं, बस हमें इतना करना है कि ये 21 दिन हमें घर पर रहना है, अगर आपने इस चीज का पालन नहीं किया तो आप सिर्फ अपनी नहीं अपने पूरे परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं, और तो और इस देश के करोड़ों लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको खाना पानी गैस इलेक्ट्रिसिटी ये 21 दिन आपको सब मिलता रहेगा, तो प्लीज जाके पैनिक बाइंग मत कीजिए, इसकी वजह से खतरा और बढ़ सकता है। और प्लीज सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, आपके घर पे जो काम कर रहे जो स्टाफ है उनके बारे में भी सोचिए। पहली बात तो आप उनकी सैलरी नहीं काटिए और उनको छुट्टी दे दीजिए प्लीज, जिस तरह हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करके हमारी सेवा कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी इस बार मौका मिला है कि हम अपने देश की सेवा करें घर पे रहें। So, दोस्तों यार नर्सेस पुलिस में नाम ही फायर डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट गार्बेज क्लीनर्स इन एवरी कॉमन डिपार्टमेंट। देखा भाई ने सेकंड नंबर भी मेरा नाम ले रखा है, और डॉक्टर्स एंड नर्सेस है ना, आपका सिर्फ इंडिविजुअली ना, आई एम नॉट अ नर्स ना, छोड़ दो। सो मतलब सीरियसली गाइस, अच्छा अच्छा सीरियसली बिना सीरियसली बोलो कुछ तुम, एज फनी सेक्शन गाइस, ये बात सच है कि मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, उनके साथ मूसा मूसा होती है, मेरी मॉम तो लिटरली बहुत चिल्लाती है, और एक्चुअली थोड़ा सा ना हो चुका है शेड्यूल तो बहुत बिगड़ चुका है लॉकडाउन की वजह से, कि हम लोग टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम में यार सबके साथ हुआ होगा क्या, कि मेरे साथ ये होता है मैं सुबह की मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं पाती, तो मेरी मॉम थोड़ा सा उस चीज में चलाती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। अच्छा और कुछ? बस मतलब लॉकडाउन में शेड्यूल चेंज हुआ और काफी हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, और क्या बोल सकते बस, और कुछ आपके साथ कैसे चेंज आया? मेरे साथ कोई चेंज नहीं है, मुझे फिर भी हॉस्पिटल जाना होता था, मुझे काम उतना ही करना होता था, बट हाँ अभी मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन लेनी होती है, पहले उसको थोड़ा सा निगले से कर सकते थे, ठीक है यार कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद हम ग्लव्स पहने बिना कई बार ऐसे पेशेंट को टच करते थे, कई बार ऐसे होता था, बट अभी नहीं, विदाउट प्रोटेक्शन हमें नहीं करना है, हमें गाउन पहनना है पीपी कंप्लीट पहन कर फिर ही जाना है पेशेंट के पास, एवरी पेशेंट इज सस्पेक्टेड फॉर अस, क्योंकि हमें नहीं पता कौन जो पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है एडमिट, वो थोड़ा सा अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स है, दैट्स व्हाई ही केम, नहीं तो अदरवाइज उसे भी पसंद नहीं है बाहर हॉस्पिटल में आना, बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डर भी लगता है, थोड़ा सिक्योर भी रहना है और क्योर भी करना है, तो बहुत चीजें हैं जिनके साथ एज अ नर्स एज अ डॉक्टर एज अ हेल्थ केयर वर्कर बहुत सी चीजें, और भी जो भी फाइट्स हैं या जो भी फाइटिंग कर रहे हैं कोरोना के साथ, सीधे से आप घर में बैठे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तो आप भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अरे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रगल घर पे बैठकर हो रहा है, क्योंकि घर पे बैठकर आपको कुछ करने के लिए नहीं है, आपको ये भी टेंशन है, फ्यूचर की भी टेंशन है, आपको कल का क्या होगा वो भी टेंशन है, अभी उसके बाद लॉकडाउन के बाद लाइफ क्या होने वाली है उसकी भी टेंशन है, तो बहुत सारी टेंशन है, और इन टेंशन के साथ जीना बहुत बड़ी बात है, तो टेंशन को दूर करते हुए इंजॉय करो यार, कुछ नहीं है, जो होना होगा होगा, अपनी लाइफ को, मैंने इससे तुमसे पहले पूछा था कि तुम बोल लो बोल लो बोलो, इसलिए मैं तुम तीसरी बार बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ, ठीक मैं कुछ बोलता हूँ ना, कुछ पिक्चराइज करके बोलता हूँ, मैं कुछ सोच के बोलता हूँ, माय गॉड रियली दिस बंदा, मतलब एक तो मैंने चुप होके बोल रही, यू से एंड आफ्टर दैट यू आर सेइंग टू मी वीडियो अच्छी थी, बाकी आप है ना
एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि कल का क्या है किसी को पता नहीं है, तो कल के बारे में सोच के ज्यादा परेशान मत हो। आज जो खा लिया वो आपका, जो आपके पेट में चला गया वो आपका, बाकी सब संसार का। टाइम एंजॉय करो, ये बहुत टाइम है जो आप खुद को दे सकते हो, और आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा टाइम कोई है खुद के लिए। बाकी कुछ नई नई चीजें सीखे, आगे प्लानिंग करनी है, कुछ आगे चल के क्या करना है लॉकडाउन खुलने के बाद, वो आप प्लान कर सकते हैं, अपनी करियर लाइफ जो भी है, आप आगे जॉब से रिलेटेड क्या करना चाहते हैं, अपने आगे अगर आप स्टूडेंट है तो क्या आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्या स्टडी को फर्दर करना चाहते हैं, कैसे प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है प्लानिंग करने के लिए। और अपने आप को सेल्फ असेसमेंट और एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंट्रोस्पेक्शन, आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो अपने आप को। सो यार करो जो करना करो, बट परेशान मत करो मम्मी को, ठीक है जी। yes. खाना वो खाना है, जैसे कि आशीष की मॉम ने बोला है कि अगर परेशान हुए तो घर आके पाएगा। सो दोस्तों यार टिल देन आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, बाल लाइकिंग और वीडियो इफ यू डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट आल्सो हियर। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर सेकंड। और हां थैंक्स आशीष भाई, एंजॉय योरसेल्फ, और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, होपफुली लाइफ में हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ together grab करेंगे। So till then, we'll be signing out. Bye-bye. Bye. Bye.